अमेजोन के जंगलों में 40 दिन सर्वाइव करने के बाद आर्मी कॉम्बैट वेटरन बियर और वर्ल्ड बेस्ट सर्वाइवलिस्ट ग्रिम आज दोनों ही एशिया के सबसे बड़े जंगल यानी कि गंगागंज के जंगल में पिछले 10 दिन से फंसे हुए हैं। ये दोनों ही सर्वाइवलिस्ट आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाए तो मर के जिंदा वापस कैसे निकला जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बियर और मेरा नाम है ग्रिल और हम दोनों इस जंगल यानी कि एशिया के सबसे बड़े जंगल गंगागंज के जंगल में सरवाइव करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि अगर आप कभी फंस गए इस जंगल में तो कैसे सरवाइव करें। सबसे पहले हमें ढूंढना है खाने के लिए जगह, रहने के लिए और हगने के लिए। तो चलिए ग्रिल, तुम्हें पता है ना समय कैसे देखते हैं? नहीं। क्या तो भाई, समय मैंने बताया था? कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ दर्शकों, कभी भी आप जंगल में फंस जाएं या ऐसी जगह में फंस जाएं और आपको समय का आभास ना हो तो मैं बताता हूँ कैसे देखें। दाहिने हाथ को ऊपर रखें। चूतिया, ये दाहिना नहीं बायां। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बाएं हाथ को ऐसे ऊपर रखें। हाँ, अब समय देखते हैं, ठीक है? हाँ, 4:10 हो रहा है। समय समय ऐसे पता चलता है, देखो फिर से देखो। चलो हाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, दूध बहुत ही बेहतरीन जानवर है। कैमरा मुझे दो, कैमरा मैं दिखाता हूँ। वो आपको जानवर दिख रहा है? आज तक मैंने इस जानवर को कभी देखा नहीं है। ग्रिल, क्या तुमने ये जानवर देखा है? नहीं। आर्मी में सर्व करते वक्त तुमने ये जानवर को देखा है? कभी नहीं, ये जानवर मैंने पहली बार देखा है। क्या इसकी दो सिंगे हैं? ओह माय गॉड, इधर और भी है। और भी जानवर है। शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये हम लोग को देख चुके हैं। इन्होंने ये हमें देख चुके हैं। कैमरामैन आवाज मत करो। ग्रिल, मेरी जिंदगी का ये सबसे बेहतरीन जानवर मैंने अपने देखा है। क्या तुमने देखा? इसके पास चलने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। कैमरा पकड़ो ग्रिल, मैं जा रहा हूँ इसके पास, देख के रहो मुझे। इस जंगल में एक आदि मानव मिला है। ये देखिए, कौन सी ट्राइब का है हमें नहीं पता। ये बहुत ही खतरनाक जानवर हो सकता है। इसके हाथ में डंडा भी है, देख सकते हैं आप। भाग चलो ग्रिल, ये देखो हमारा खाना, क्या टेस्टी लग रहा है। खाओगे तुम? नहीं। नहीं खाओगे? नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है दोस्तों। मुझे बहुत बदबू आ रही है। बदबू आ रही तुम्हें? यही होता है अगर आप सर्वाइवल कर रहे हो, ऐसे जंगल में फंस जाए तो ये खाना ही पड़ेगा। पर खैर, हम दोनों राजी नहीं हैं तो हम खाएंगे नहीं इसे, ठीक है? बट आप खाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और खाना ढूंढते हैं। बट आप खाइए। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन कैमरे को यहाँ लाओ। ये आप देख सकते हैं, ये इस जंगल के किसी जानवर ने मुझे काट लिया है और जल्द से जल्द मुझे इसका इलाज करना होगा। और सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ है लिवासा सिवासा का और इसकी पत्तियों को घिसकर उस चोट पर लगाना है आपको। ध्यान से देखिए और चोट सही हो जाएगा। चलिए, फटेगी तो नहीं तुम्हारी? कोशिश करता हूँ। ग्रिल, क्या तुम गिर गए? मैं कोशिश करता हूँ। ग्रिल, क्या तुम गिर गए? ग्रिल, कुछ बोल नहीं रहा हो तुम, मैं डर रहा हूँ। क्या तुम गिर गए हो? बेशक गिर गए, लाने को बोला था।
आसपास। ये आज गया हूँ ऊपर, ठीक है दोस्तों। क्रिल, यहाँ पर बहुत ही भारी जंगल है, यहाँ आगे रास्ता नहीं है, आगे नदी है, तो हम लोग को यहाँ से रास्ता चेंज करना होगा। चलो नीचे ध्यान से देखिए पानी, ये पानी बहुत ही ज्यादा साफ है, देख सकते हैं आप, और इसे हम लोग पीने जा रहे हैं। दोस्तों ग्रिल और मैं जैसे ही पानी पीकर आगे बढ़े, हमें दिखे युगांडा के 3 सदस्य, आपको मिलवाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा वासी और हुआ तुम पकड़ो, मैं इनको अपनी भाषा में, इनकी भाषा में बात करके बताता हूँ। मैंने ये लैंग्वेज सीखी थी अपनी आर्मी ट्रेनिंग के दौरान। या सुवासी, हाय सर, हाय हाय, लेट्स गो, हाउ हाउ। ये लोग कह रहे हैं कि ये 400 वर्षों से इनकी पूरी सदस्य फैमिली यही रह रही है। इनकी इनकी एज है, इधर दिखाइए कैमरे को, इनकी एज है 40, इनकी एज है 30 और इनकी एज है 50। ये सबसे बुजुर्ग हैं इस खानदान में, मगर इनकी हाइट बढ़ती नहीं है। दोस्तों अब हम लोग आग जलाने जा रहे हैं, रात होने वाली है तो आग जलाना काफी सही रहेगा आप सभी के लिए। फाइनली हम लोग अपनी मंजिल पहुंच गए हैं दोस्तों, और यहाँ बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं। यहाँ से हमें सिग्नल देना है अपने दोस्तों को, सिग्नल दो। हाँ बेटा आ जाओ, लेने रोड पर आ गए हम लोग। हाँ हाँ, ग्रिल वो यही है, दो बात करो, बताओ जल्दी आओ भाई।